हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक वर्ण विचार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर स्टूडेंट्स। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण जैसे ए, ई, क, ख, च आदि। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम वर्ण के भेदों के बारे में जानेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम सारणी के माध्यम से समझेंगे। ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। अंग, अह, ये 2 अयोगवा होते हैं। इसके बाद कैसे लेकर मैं तक ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स, 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 ह, ये 4 उष्म व्यंजन होते हैं। अक्ष, त्र, अज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ढ और ढ, ये उत्तिक्ष व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 52 होती है। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। उदाहरण ए, आ, ई, ई आदि। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षव स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं। उदाहरण ए, ई, ऊ, री। हिंदी में 4 हर्षव स्वर होते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 स्वर हैं जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 3 गुना समय अधिक लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण ओम, हे राम आदि। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम अयोगवा के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह को अयोगवा की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते, इसलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। अब हम अनुस्वार तथा अनुनासिक के अंतर को पढ़ेंगे। अनुस्वार जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो अर्थात नाक से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ण का पंचम करवग, चरवग, टरवग, तरवग व पंचम वर्ग अनुस्वार कहलाता है। जैसे चंचल, अंक, रंग, गंगा आदि। अनुनासिक जब वर्ण का उच्चारण नासिक तथा मुख दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे पांच, आँख, कांच आदि। अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है। ये कैसे लेकर मैं तक हैं, करवग कै ख ग अड़ चरवक चै छ ज अय टर्वक टैठ ड ण तर्वक तैथ द न पर्वक पै फ ब। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, स स स तथा है। अब हम पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं तथा इनकी संख्या कितनी है। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 हैं, जैसे क प्लस स अक्षय, त प्लस र त्रय, ज प्लस अय अज्ञ, स प्लस र स्र। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा पढ़ेंगे। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण, करवग में क ग अड़, चरवग में च ज अये, टर्वग में ठ ड अण, तर्वग में त द न, पर्वग में प फ म और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण, करवग में ख और घ, चरवग में छ और झ, टर्वग में ठ और ढ, तर्वग में थ और ध, पर्वग में फ और भ तथा ऊष्म व्यंजन स स तथा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो।